Good morning to all of you. This is Saurabh Sonekia and you are watching me at Sonekia Math Classes. Okay, this is aptitude test number 45 and today is 40 of June 2020. Right. So once again, this is the time to evaluate about your preparations and the question number 1 is from current affairs and the general science is in front of you. What it is? Please read it carefully. Right. Hubli station in which state is set to get the world longest railway platform? किस राज्य का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिहार बिहार, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा ओडिशा। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सबसे पहले मैं सही आंसर आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। तो जो कर्नाटक स्टेट का आपका जो हुबली स्टेशन है उसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो सबसे लंबा होने जा रहा है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर, दैट मीन 1400 मीटर इसकी लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। लेकिन लगभग इसे अभी पूरा कंप्लीट होने में 1 साल का समय लगेगा। अगर मैं बात करूँ जो प्रेजेंट टाइमिंग में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ का है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म। कहाँ का? याद रखिएगा, गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दूसरा आपका कोल्लम है। कौन है? कोल्लम। याद रखिएगा, 1366 मीटर लंबाई है गोरखपुर की और 1160 मीटर लंबाई है कोल्लम की, तो याद रखना है हमें। और जो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो अगली साल तक बन जाएगा और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाएगा, उसका नाम क्या होगा? याद रखिएगा, हुबली स्टेशन, और जो कहाँ पर है? कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटक की जो कैपिटल है वो हम लोग जानते हैं बेंगलोर। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है BS येदियुरप्पा, ये भी जानते हैं। कर्नाटक के गवर्नर राज्यपाल जी का नाम जानते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है? बाजू भाई बाला। क्या नाम है? बाजू भाई बाला। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इट इज? ओके, देखिएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड हैज बीन कैंसल्ड फॉर 2020 ड्यू टू द कोरोना वायरस पेंडेमिक। रमन मैग्सेसे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। कोरोना वायरस महामारी के कारण रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 को रद्द किया गया है। रमन मैग्सेसे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी फिलीपीन, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। राइट, याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल ऑफ एशिया? सो द आंसर इज रमन मैग्सेसे अवार्ड। राइट, रमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है जो दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, राइट, इन जर्नलिज्म, इन एक्सीलेंट एमर्जेंट लीडरशिप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन से, ओके, दीज आर द सम ऑफ द एरियाज इन विच रमन मैग्सेसे अवार्ड इज बीइंग गिवन इन ईच एंड एवरी ईयर। राइट, याद रखिएगा, ये आपका कहाँ से है? फिलीपींस से है। फिलीपींस के जो थर्ड प्रेसिडेंट थे जिनका नाम रमन मैग्सेसे था और जिनकी जो अचानक से एयर फ्लाइट में उनकी डेथ हो गई थी 1957 में, तो उन्हीं की याद में उन्हीं के द्वारा दिए जाने वाली एक पहल 1958 से एक कंटिन्यूसली दिया जाने लगा है। कब से? 1958 से, राइट, तो याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम इसमें बात करें तो 1958 से आज तक में, अगर 2020 में जैसे इसे नहीं दिया गया, ऐसा दो बार और आया है, एक आया है 1970 में और एक आया है 1990 में। 1970 में रीज़न था इनॉर्मस इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी की वजह से 1970 में रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया। और 1990 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हुआ था, भूकंप आया हुआ था, जिसके वजह से भी रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया था, ठीक है। अपने इंडिया से इसको पाने वाले पहले, आपकी याद रखिएगा, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला था, तो आचार्य विनोबा भावे जी को। किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे। और अभी तक हमारे, अगर मैं बात करूँ तो 6 इंडियंस हैं जिसमें से किरण बेदी जो कि बहुत फेमस है, विनोबा भावे जी हैं बहुत फेमस हैं, इनको मिल चुका है। और अभी हाल ही में 2019 में अपने इंडिया के NDTV
चैनल के जो एडिटर हैं, क्या नाम है, चीफ एडिटर हैं, जिनका नाम है मिस्टर रवीश कुमार, उन्हें भी रमन मैग्सेसे अवार्ड से ऑनर किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक कुल मिला के 6 इंडियंस को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, एक केवल और केवल एशिया के लोगों को दिया जाता है। चलेगा आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू। हु विल बी कन्फर्ड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेटर इन 2020। 2020 में मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एस जानकी, ऑप्शन नंबर बी के एस चित्रा, ऑप्शन नंबर सी साधना सरगम, ऑप्शन नंबर डी शोभा शेखर। जल्दी से, आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आप लोगों के सामने बता दूं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शोभा शेखर। राइट, तो जो शोभा शेखर है, जो सी वॉज द फाउंडर ऑफ द कलाकृति ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया। राइट, ऑस्ट्रेलिया में कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है, इनका नाम है शोभा शेखर, और शोभा शेखर को ही आपका मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, जिसमें नॉमिनेट बहुत सारे लोग हुए थे, जिसमें ऐसे फेमस नॉमिनेशन हुआ था टॉनी अबॉट का, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, इसके साथ में माइकल क्लार्क का। माइक क्लार्क का इसलिए नाम बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो क्रिकेट टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, बहुत ही फेमस कैप्टन। लेकिन अगर हम बात करें तो सभी में से ये विनिंग जो प्राइज मिला है वो किसको मिला है? शोभा शेखर को। याद रखिएगा, तो क्वीन एलिजाबेथ के जो आपका सेकेंड का जो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा उस पर इन्हें ऑनर्ड किया जाएगा, उन्हें अवार्डेड किया जाएगा मेडल ऑफ ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। और साथ में अगर मैं बात करूं तो जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, वो कैनबरा है। राइट, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट अलग से है, जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आता है। राइट, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं एक चीज़ और बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेजेंट टाइमिंग में प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका नाम याद रखिएगा स्कॉट मॉरिसन, जो हाल ही में जिनके साथ में आपने देखा था कि डिजिटल मीटिंग अटेंड की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, क्या नाम है, स्कॉट मॉरिसन। राइट, तो याद रखिएगा हमारे इंडिया के लिए एक और ऑनर की बात की, हमारे इंडिया को मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया मिलने जा रहा है शोभा शेखर की जी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। When the direction of force and the direction of displacement of object are same, then the work done will be. जब बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा समान हो या एक ही हो तो कार्य होगा। राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी जीरो, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम, ऑप्शन नंबर डी 1 जूल 21। जल्दी से, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम। राइट, दैट मींस अगर आपको मैं बताऊं तो जो आपको मैंने क्या बोलते हैं कार्य का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन अगर सही आप लोग जो थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तो अगर आप देखेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। राइट, कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर रखने W मीन्स वर्क, एफ मीन्स फोर्स, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ द डायरेक्शन दैट इज बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा में जितना एंगल होता है वो कहलाता है आपका थीटा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये समझना है जब दोनों की दिशा समान है तो समान होने पर दैट मीन्स ए हो गया समान, इस तरीके से ये आपकी हो गई बल की दिशा, ये हो गई वस्तु के विस्थापन की दिशा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो बनेगा तो एफ इंटू डी आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है वो किस कंडीशन में मिलता है, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही हो, दैट मीन्स कॉस थीटा, और आप जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। राइट, याद रखिएगा यहाँ पर। इसके साथ ही मैं दूसरी कंडीशन और बताने जा रहा हूँ, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत हो, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ displacement of the object is perpendicular to each other, that means we get 0 1। जब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत हो, perpendicular हो, तो याद रखना क्योंकि वहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 और cos 90 की वैल्यू होती है आपके पास में कितनी, याद रखेंगे हम 0। अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क ऑलरेडी 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर एक तीसरी कंडीशन है, when the direction of force and the direction of displacement of object is
अपोजिट टू ईच अदर, दैट मींस कैसा है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दैट मींस थीटा की वैल्यू वहां पर होगी आपकी 180 और cos 0 वहां cos थीटा cos 180 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। दैट मींस इस कंडीशन में हमें जो नेगेटिव वर्ग मिलेगा कैसा मिलेगा, ऋणात्मक वर्ग मिलेगा, मतलब डिजायरेबल नहीं मिलेगा, उल्टा मिलेगा, हमें इस साइड जाना है लेकिन जाएगा इस साइड, ठीक है ना। तो समझ में बात आ गई हमें, ये चीजें तीनों याद रखना है। पॉजिटिव कब मिलेगा, जब एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब थीटा 90 होगा, मतलब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। और ऋणात्मक कब होगा, वह जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, हिंदी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। उद्दत का विलोम है, ऑप्शन नंबर ए प्रचंड, ऑप्शन नंबर बी विनीत, ऑप्शन नंबर सी रोपड़, ऑप्शन नंबर डी विमुख। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनीत। अब इसका सही आंसर विनीत क्यों है, उद्दत मींस होता है अक्कड़, मतलब जो अक्कड़ दिखाने वाला है, या आप विनीत मतलब जो ज्यादा प्रेम से बात नहीं करने वाला, विनम्रता से बात नहीं करने वाला। प्रचंड मींस होता है बहुत ही खतरनाक, विनीत मींस होता है विनम्रता, रोपड़ मींस होता है किसी चीज को लगाना, ठीक है, और विमुख मींस होता है किसी चीज से मुंह हट जाना। तो देखिए उद्दत मींस होता है अविनीत, तो अविनीत का क्या होगा, विनीत, तो उद्दत का विनीत सही आपका विलोम शब्द होगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सही वर्तनी शब्द है, मतलब जो सही लिखा हुआ है उस शब्द को आपको चूज करना है। 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सुषमा, राइट। इसमें याद रखेंगे जो सुषमा सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, बाकी सुषमा सब गलत लिखे हुए हैं। सुषमा मतलब होता है अत्यधिक सुंदरता, दैट मीन्स नैसर्गिक सुंदरता, दैट मीन्स प्राकृतिक सुंदरता, उसको बोलते हैं सुषमा। जैसे अगर मॉर्निंग के टाइमिंग का जो व्यू देखते तो बोलते क्या सुषमा है, राइट। सुषमा मीन्स नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता, अत्यधिक सुंदरता। याद रखिएगा इसमें ये वाला जो सा है इसको कहते हैं हम लोग दंती सा, ए वाला जो सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा क्या, कौन सा सा बोलते हैं, तालबी मूर्धन्यशा, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं हम लोग मूर्धन्यशा, राइट। ओके, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और इसे बोलते हैं दंतीशा, और आपको एक तालबीशा और है, इसे बोलते हैं तालबीशा, क्या बोलते हैं, तालबीशा। चलेगा आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्टेक्स, ऑप्शन नंबर ए वर्टेक्स, ऑप्शन नंबर बी वर्टेक्सिस, ऑप्शन नंबर सी वर्टेसिस, ऑप्शन नंबर डी वर्टेसिस। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, टाइम इज अप, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्टेसिस, राइट। तो आपको यहाँ पे चूज करना था करेक्ट इसका प्लूरल, तो वर्टेक्स मींस होता है सीड्स, मतलब त्रिभुज की जो 3 सीड्स होते हैं ना उन्हें हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। लेकिन अगर बोलेंगे हाउ मेनी वर्टेसिस इन अ ट्रायंगल, तो वर्टेक्स का क्या होता है, प्लूरल वर्टेसिस हो जाता है। दैट मींस अगर एक्स आता है, ठीक है, और उसके पहले ई है, तो उसको हटा के हम लोग क्या कर देते हैं, आई सी ई एस लगा देते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं इंडेक्स को ले लेता हूं, तो इंडेक्स का भी क्या हो जाता है, इंडेसिस हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक वर्टेक्स की तरह। याद रखना है तो एक्स को हटा के आई सी ई एस कर देना है। चलेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 की तरफ। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डेमोलिश, ऑप्शन नंबर बी बारिंग, ऑप्शन नंबर सी डिस्क्लोज, ऑप्शन नंबर डी मोनोटोनस। जल्दी से आपके पास पूरे 5 सेकंड का टाइम। ओके, डेस्ट्रॉय मींस अगर इसका सही है, सबसे पहले सिनोनियम चूज कर ले तो होता है डेमोलिश। डेस्ट्रॉय मींस होता है नष्ट कर देना, विनाश कर देना, ठीक है। डेमोलिश मींस होता है नष्ट कर देना, विनाश कर देना, खत्म कर देना। बारेन, बारेन मींस होता है बंजर। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मींस होता है खुलासा करना, किसी रहस्य का खुलासा करना, खुलासा करना, डिस्क्लोज द सीक्रेट, राइट। मोनोटोनस मींस होता है दैट मींस नीरस। जैसे मैं बात करूं माय लेक्चर माय टीचिंग You just like taking as a monotonous, right? आपको नीरस लग रही है, right? आपको अगर entertaining नहीं लग रही तो उसका just antonym क्या होता है? Monotonous, ठीक है? तो यहाँ पे synonym की बात करें destroy का, विनाश करने का, तो वो क्या आ रहा है? Correct meaning demolish, ठीक है? चलेगा आगे बढ़ते हैं, हमारा जो last portion है, और हम लोग last portion की तरफ आते हैं, और हमारा last portion है mathematics का, उसका जो पहला question आपके सामने present है, और आप यहाँ पे बताएंगे इसमें से क्या नहीं आ रहा है आपको, ठीक है?
इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस सी कॉमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन प्लस वन अपॉन सी प्लस वन। यदि ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी और सी स्क्वायर बराबर बी प्लस ए तब 1 अपॉन ए प्लस वन प्लस वन अपॉन बी प्लस वन प्लस वन अपॉन सी प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी प्लस सी। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके, तो मैंने 25 सेकंड से 30 सेकंड का टाइम कर दिया था। आई होप सो यू हैव चूजन द राइट ऑप्शन ओके फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, तो आपको बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे सही तरीके से। ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि मुझे दिखाना भी होगा। ओके ठीक है, चलिएगा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे दिखता रहे मुझे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है वो 1 अपॉन ए प्लस 1 की निकालनी है प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 की निकालनी है, पूरे के अपॉन है, और प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 की निकालनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए ए स्क्वायर। ठीक है, ओके वेरी नाइस। तो पहले वाले में ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दूसरे वाले में बी का कर दीजिए और तीसरे वाले में सी का कर दीजिए। और अगर आप देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में अगर हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर हम ऊपर ए का करें तो क्या बन जाएगा ए, और नीचे भी ए का करें तो ए का ए में होगा ए स्क्वायर और ए का वन में होगा ए, ठीक है, प्लस। अब दूसरे वाले में बी का करना है तो बी अपॉन बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर और बी का वन में करेंगे तो बी, ठीक है, सी का वन में करेंगे तो सी, सी का सी सी में करेंगे तो सी स्क्वायर, सी का वन में करेंगे तो सी। अब आपके पास में वैल्यू दी गई है ना, तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कर दीजिए ए अपॉन ए प्लस ए यहाँ पर लिखा था और ए स्क्वायर की जगह पर रख दीजिए बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे प्लस में बी में आ जाओ तो बी अपॉन में आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, सी बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस सी रखेंगे और बी ऑलरेडी है तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसके नीचे आया है ये पूरा ध्यान रखना। और प्लस सी अपॉन आएगा आपका क्या आएगा, बिल्कुल सेम, दैट मींस ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब अगर ध्यान से देखें तो तीनों का जो डिनोमिनेटर आ गया वो तीनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ऊपर भी ए आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, कैंसिल आउट। और आपका सही आंसर क्या निकला है, ए वन, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका वन आ गया। तो आपको इसमें क्या करना था, सबसे पहले कुछ नहीं करना था, जो इसकी वैल्यू निकाली उसे लिखना था। फर्स्ट वाले में ए का अंश और हर में मल्टीप्लाई, दूसरे वाले टर्म में बी का अंश और हर में मल्टीप्लाई और तीसरे वाले टर्म में सी का अंश और हर में मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही आपको सीधा दिख रहा है नीचे और ऊपर की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, बी स्क्वायर की रख दीजिए, सी स्क्वायर की रख दीजिए, तीनों के हर का मान मतलब डिनोमिनेटर का मान इक्वल हो जाएगा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स का, एक और क्वेश्चन और इसके जो आज के एप्टीट्यूड टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो आप देखिएगा यहाँ पर और आंसर करिएगा जल्दी से। इफ द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ द टू सिलेंडर्स आर 2:1 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 3:2 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 और उनकी ऊंचाई में अनुपात 3:2 का है तो उनकी आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, राइट। ऑप्शन नंबर ए 1:6, ऑप्शन नंबर बी 2:3, ऑप्शन नंबर सी 6:1 एंड ऑप्शन नंबर डी 3:2। जल्दी से आपके पास पूरे 25 सेकंड्स का टाइम।
ओके सो टाइम इज अप एंड होप सो यू हैव चूजन द राइट ऑप्शन फॉर दिस न्यूमेरिकल राइट। तो जल्दी से मैं इसका आपको सबसे पहले आंसर बता दूं, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 6:1। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे ज़्यादा ज़्यादा लोगों का सही आंसर चूज किया होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ मैं इसे इसको करना कैसे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने तो याद रखिएगा यहाँ पर वन मिनट। ठीक है, ओके, तो कैसे करना होता है यहाँ पर आप देखिएगा, रेडियस का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है 2:1 का। ठीक है, रेडियस का, और हाइट का अनुपात कितना दे रखा है आपको 3:2 का। ठीक है, अब आपको बेलन का आयतन तो पता होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपके कितने बेलन हैं, दो बेलन। ठीक है, तो सी वन कर दो तो आर वन और एच वन। इसी तरीके से वी सी टू लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा, पाई आर टू स्क्वायर एच। अब हम क्या कर देंगे बताओ, दोनों का अपॉन कर देंगे क्योंकि रेशियो निकालना है, तो वी सी वन अपॉन वी सी टू इक्वल टू पाई आर आर वन स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कट गया। यहाँ पर क्या आ गया आप देखें तो आर वन अपॉन आर टू का क्या कर दो, होल स्क्वायर इन टू क्या करेंगे हम, एच वन अपॉन एच टू, एच वन अपॉन एच टू। आप देखेंगे तो हमें रेडियस रेडी का क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है 2/1 का होल स्क्वायर कर दीजिए इन टू एच वन अपॉन एच टू का कितना दे रखा है 3/2। वेरी नाइस, तो 2 का होगा 4/1 इन टू 3/2। ठीक है, तो ये 2 से 4 कितने बार कट जाएगा, 2 टाइम, तो 3 2 का कितना आ गया 6/1 का मतलब कितना रेशियो आ गया आपका 6:1 आ गया। समझ में, तो बहुत सिंपल था, केवल आपको इसमें आना चाहिए था बेलन का आयतन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और जो जो चीज़ें हमें दिया होता उनके नीचे हम पहले वाले सिलेंडर के लिए 1/1 कर देंगे, दूसरे सिलेंडर के लिए 2/2 कर देंगे, और दोनों का फिर क्या निकाल देंगे, रेशियो, क्योंकि हमें क्या निकालना था, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो हमने निकाल दिया वी सी वन अपॉन वी सी टू, दैट मीन्स वी सी वन रेशियो वी सी टू इज इक्वल टू 6:1। ठीक है, आ गया समझ में सभी को, होप सो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड दिस एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्कोर अगेन 100% मार्क्स इन दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग टू स्कोर मार्क्स राइट। इफ यू आर वॉचिंग दिस एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन द डेली बेसिस एंड टेल अदर्स टू वॉच दिस एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन डेली बेसिस, देन दैट डे इज नॉट फार फ्रॉम यू टू स्कोर फुल मार्क्स राइट। सो होप सो if you are like my teaching, so please subscribe my YouTube channel and tell others to subscribe my YouTube channel Sona Kya Math Classes, and watch my videos, share my videos and like my videos and comment on my videos. Thank you, Zahin.